हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। साथियों, आज 24 अप्रैल 2019 के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें और साथ ही साथ इस नए कोर्स को रिव्यू और रेटिंग दें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। हमारी जो न्यूज है पहले इंग्लिश में बोली जाएगी और उसके बाद हिंदी में। और साथियों, ये हिंदी और इंग्लिश का जो वीडियो है इसका आपको PDF भी मिलता है और PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस LSE हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द अमर्त्य सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडीज, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इंडिया बोर्न इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड नोबल लिटरेचर हु वॉज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट LSE फ्रॉम 1971 to 1982। That's called the Amartya Sen Chair in Inequality Studies। साथियों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भारत में जन्मे अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता के सम्मान में नामांकित असमानता अध्ययन में अमर्त्य सेन चेयर के निर्माण की घोषणा की है। अमर्त्य सेन जो थे वो 1971 से 1982 तक LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इसे अमर्त्य सेन चेयर इन इक्वालिटी स्टडीज कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट, समझौतों की। BSE हैज एंटर्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद नेटवर्क इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इन लाइन विद द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सेट बाय SEBI। नेटवर्क इंटेलिजेंस विल बी यूजिंग इट्स ओवन डेवलप्ड प्लेटफॉर्म ब्लू स्कोप टू ऑफर 24/7 साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस टू द मेंबर्स। BSE ने एक वैश्विक साइबर सुरक्षा सेवा प्रदाता नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो SEBI द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप अपने सदस्यों को साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि जो इंटरनेट से या साइबर सिक्योरिटी से जो भी आपकी गतिविधियां होती है या जो भी परिणाम निकलते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए नेटवर्क इंटेलिजेंस अपने स्वयं के विकसित मंच ब्लू स्कोप का उपयोग कर सदस्यों को 24 घंटे और 7 दिन साइबर सुरक्षा संचालन की पेशकश करेगा। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंक्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR फॉर कॉरपोरेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन इन एरियाज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड इट्स इंटीग्रेशन विद मॉडर्न साइंस। Earlier, CSIR and Ayush Ministry jointly developed the Traditional Knowledge Digital Library, TKDL, which prevents biopiracy and misappropriation of traditional knowledge. Ayush मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ एक समझौता ज्ञापन को शामिल किया। इससे पहले CSIR और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL विकसित की है,
जो पारंपरिक ज्ञान के जेव चोरी और दुरुपयोग को रोकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज व्यापार समाचार की। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट साइबर डिफेंस इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल लॉसेस ड्यू टू साइबर अटैक। इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेजर इंश्योरेबल साइबर एक्सपोजर लाइक हैकिंग अटैक्स आइडेंटिटी थेफ्ट डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस इंटरप्शन। SBI जनरल इंश्योरेंस ने व्यवसायों को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान से बचाने के लिए एक उत्पाद साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया है। यह साइबर उल्लंघनों के बढ़ते खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे हैकिंग हमलों, पहचान की चोरी, संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण और व्यापार में रुकावट जैसे प्रमुख बीमा योग्य साइबर एक्सपोजर से बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस इन कोलैबोरेशन लॉन्च्ड देयर फर्स्ट प्रोडक्ट टोटल हेल्थ सिक्योर गोल। द न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग प्लान्स हेल्थ गार्ड पॉलिसी बाई बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस एंड आई सिक्योर फ्रॉम बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने सहयोग में अपना पहला सह उत्पाद टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड लॉन्च किया है। नया बीमा उत्पाद में दो मौजूदा योजनाएं, जिनमें से एक है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस की हेल्थ गार्ड पॉलिसी और दूसरी है बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की आई सिक्योर। इन दोनों का संयोजन है टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट की। इंडिया वाज रैंक्ड 19th आउट ऑफ 28 कंट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ कैंसर प्री प्रेडेंस ICP रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इट वाज रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट टाइटल्ड कैंसर प्री प्रेडेंस अराउंड द वर्ल्ड नेशनल रेडीनेस फॉर ए ग्लोबल एपिडेमिक प्रिपेयर बाय EIU। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेपरेडनेस ICP में 28 में से भारत का 19वां स्थान है। यह कैंसर प्रिपेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड नेशनल रेडीनेस फॉर ए ग्लोबल एपिडेमिक शीर्षक से रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। फैबियो फोगिनिनी बिकम द फर्स्ट इटालियन टू विन एन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल एट द रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। ही डिफीटेड डुसान लाजोविक द इटालियन डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 3 अलेक्जेंडर ज़वेर टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एंड स्टैंड 11 टाइम चैंपियन राफेल नडाल इन द लास्ट 4। फैबियो फोगिनिनी रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इतावली बने। उन्होंने दुसान लाजोविक को हराया। इतालवी ने वर्ल्ड नंबर 3 अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और अंतिम चार में 11 बार के चैंपियन राफेल नडाल को हराया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात की जाए तो ऑब्ड्यूरिज निधन की। चेन्नई फेमस क्रॉनिकलर कार्टोग्राफर एंड जर्नलिस्ट S. मुथैया 89 पास्ट अवे ड्यू टू एज रिलेटेड एलमेंट्स। ही वाज अवार्डेड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2002 फॉर हिज अकॉम्प्लिशमेंट। चेन्नई के प्रसिद्ध क्रॉलर कार्टोग्राफर और निवासी वर्षीय पत्रकार S. मुथैया का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2002 में बेस्ट मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूबी कंपटीशन चैनल, और इसके साथ साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।